गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप पढ़ेंगे और उनका कैसे वाक्यों में प्रयोग होगा, किस रूप का प्रयोग कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने धातवह लिखा है, मतलब ये सारी धातुएं आपको पढ़नी है पूरे सेशन में, पूरे सत्र में एनुअल तक। उसमें पठ धातु है जिससे आप पूर्व परिचित हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती, लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन, लिट में पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, आपको लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, और विधि लिंग में पठेत पठेताम पठेयु। इसके बाद है अस धातु, जिसका मतलब होता है बी होना, अस्ति अस्तः संति अस्ति अस्तः अस्तः, अस्मि अस्वा अस्मा, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वर्ब टू बी भी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, लेकिन सामान्य रूप से आजकल लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। तो वही चीज है, अस्ति अस्तः संति अस्ति अस्तः अस्तः अस्मि अस्वा अस्मा। पांचों लकारों में पढ़ना है, उसका प्रयोग हम बताएंगे कैसे उसका प्रयोग होगा। पहले एक लट लकार में इसका प्रयोग सीख लेंगे। क्रि धातु जिसका अर्थ होता है डू करना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः, लंग लकार में अकरोत अकुरुताम अकुर्वन्, अकरोह अकुरुतम अकुरुता, अकर्वम अकुर्वा अकुर्मा। इसी तरह से पा धातु है जिसका पी आदेश हो जाता है, पिबति पिबता पिबन्ति, पिबसि पिबथा पिबथा, पिबामि पिबावा पिबाम। लगभग ये जो चार धातुएं हैं अस पठ क्रि और पा, ये सब प्रश्मय पद धातुएं हैं और प्रायः इनका रूप एक ही जैसा होता है, लेकिन इसमें एक सेव धातु है, सबसे अंत में सेव धातु लिखा हुआ है, जो आत्मने पद है जिसका रूप तीता अंति में नहीं चलता है। क्लास 8 में भी आप पढ़े होंगे, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, असेवता असेवेताम असेवन्ता, असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि। लृट लकार में फिर सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते। इस तरह से आपका सेव धातु का रूप पांचों लकार में भी चलता है। किताबों में सारे रूप उपलब्ध हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो मैं उनका रूप भी आपको पहले भेज दूंगा और उसके अनुसार आप होमवर्क बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे प्रयोग होगा रूपों का। तो देखिए, प्रथम पुरुष जहां मैंने लिखा है तो कर्ता और क्रिया, किसी भी वाक्य के फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, जो इंग्लिश ग्रामर में भी आप पढ़ते हैं। कर्ता और क्रिया, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, ऐसा लिखा गया है। मीन्स तीनों वचनों में तीन तरह के जो वाक्य होंगे उनके साथ कौन सी कौन सा कर्ता होगा, कौन सी क्रिया होगी, फिर कौन सा कर्ता होगा, कौन सी क्रिया होगी। तो आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़े होंगे कि मध्यम पुरुष अर्थात सेकेंड पर्सन, मध्यम पुरुष को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेकेंड पर्सन कहते हैं, जिसका जिसमें यू होता है, सिंगलर भी होता है और प्लुरल भी यू होता है। और अगर यू को छोड़कर पूछा जाए आपसे कि कोई अदर सब्जेक्ट भी होता है क्या सेकेंड पर्सन में, तो आप कहेंगे कि नहीं, दाऊ होता है, लेकिन उसका प्रयोग पोएम वगैरह में किया जाता है। उत्तम पुरुष में आई होता है और वी होता है अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में दो ही जेंडर होते हैं, दो ही नंबर होते हैं, सिंगलर और प्लुरल, इसलिए वहां पर आई और वी होता है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग। लेकिन यहाँ संस्कृत में तीन होते हैं, अहम वाम वयम, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम।
इसके बाद थर्ड पर्सन की बात आती है। अंग्रेजी में थर्ड पर्सन सबसे नीचे बताया जाता है। हमारे संस्कृत ग्रामर में थर्ड पर्सन को ही हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, ये सबसे ऊपर होता है। क्रियाओं में इसका नंबर सबसे ऊपर दिया गया है। तो थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष को हम यहां लिख देते हैं। थर्ड पर्सन आपके समझने के लिए, ये है सेकंड पर्सन, और ये है फर्स्ट पर्सन। जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में भी आपके टीचर बताते हैं कि सेकंड पर्सन यू एंड फर्स्ट पर्सन आई और वी को छोड़कर दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। उसी तरह से संस्कृत ग्रामर में भी ही सी इट जो अंग्रेजी में आप कहते हैं उसके लिए ही के लिए स होता है, सी के लिए सा होता है, इट के लिए तत होता है। और उसमें एक और शब्द हम लोग जोड़ देते हैं, अंग्रेजी वाले बड़े को भी यू बोलते हैं और छोटों को भी यू बोलते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरण में हम छोटे को तो यू जरूर बोलते हैं, मतलब तुम बोलते हैं, त्वम बोलते हैं, लेकिन अपने से बड़ों को भवान बोलते हैं। भवत शब्द का प्रयोग आता है, वो भी लेकिन थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है, यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। ध्यान देंगे एक बात और, आपके इंग्लिश में जो सेंटेंस पढ़ाते हैं टीचर वो एक नियम बताते हैं, SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। वो नियम हमारे में भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो उसका वर्ब भी प्लुरल होगा। लेकिन एक हमारे में ड्यूअल भी है, मतलब द्विवचन भी है, उसमें द्विवचन अगर सब्जेक्ट है तो द्विवचन का वर्ब यानी क्रिया होगी। जरा ध्यान देंगे, क्रिया में पहले मैं रूप लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए पट धातु का ही है, या पहले कर्ता में लिख देता हूँ, ये सा है, यहाँ कर्ता तो है, द्विवचन में हो गया, यहाँ ते है। स्त्रीलिंग में यहाँ सा हो सकता है, यहाँ ते होगा, ता होगा। आप चाहें तो बालिका शब्द का, लता शब्द का, नदी शब्द का, राम मोहन सोहना जो भी चाहे, अश्व गज, जो शब्द आपको मन हो उसका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर थर्ड पर्संस। जितने नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिसको आप नाउन बोलते हैं वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं, जिसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो हम वहां उसको रख सकते हैं। इसी जगह पर एक भवत शब्द का रूप होता है भवान, भवंतो, आप दोनों, और भवंतः, आप सब। यहां पर आप रामा लिख सकते हैं, रामो लिख सकते हैं, रामाह लिख सकते हैं, यहां आप बालिका लिख सकते हैं, यहां बालिके लिख सकते हैं, यहां बालिका लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान देंगे, इतना ही पर हम आपको समझा रहे हैं। ये सभी प्रथम पुरुष हैं, थर्ड पर्सन। आप ध्यान देंगे, यहां हमने क्रिया का लट लकार में रूप लिखा है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या क्रिया का रूप है? पठती। हमको प्रथम पुरुष में क्रिया का रूप लिखना है एक वचन में, तो स के साथ पठती होगा, यही पठती इसके साथ भी होगा, यही पढ़ती इसके साथ भी होगा। अन्य अगर कोई भार्व यानी क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हस्ते हस्त संति है, करोती कुरता कुरवंती है, तो उसका भी प्रयोग होगा,
पीबती पीबता पिबंती है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पीबती रामा पीबती आ गया, मान लीजिए पा धातु का हमने प्रयोग किया, पीबती हो गया हम रामा पीबती, क्री बालिका करोती, ये हो सकता है, कोई भी धातु का प्रयोग हो सकता है। तो स पठती हो गया, तो के साथ क्या है द्विवचन, यहाँ तो के साथ द्विवचन पठता है, तो हमने लिख दिया तो पठता। ते के साथ कोई और क्रिया का मन हुआ प्रयोग करने का, तो ते अस्त अस्ति अस्त संति, वे दोनों हैं। भवंतव है, यहां मान लीजिए क्री धातु का प्रयोग करना है, तो भवंतव कुरुत करोति कुरुत, द्विवचन में कुरुत होता है। रामो है, इसमें मान लीजिए कि पट धातु का फिर प्रयोग करना है हमें, इन्हीं धातुओं का प्रयोग सिर्फ करना है आपको, इससे अधिक धातु नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतनी ही धातुएं आपको पूरे एक साल में पढ़नी है। और बालिके आ गया, यहाँ ये भी द्विवचन है, तो यहाँ भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं पी धातु का प्रयोग, तो पीवत। ये देख रहे हैं आप वही SSPP वाला नियम। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, यहाँ हमने कहा कि हमारे संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है, तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया हम लिख रहे हैं, और केवल ऊपर वाली क्रिया। अब आप कहेंगे कि सब नीचे वाली क्रिया क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ ये थर्ड पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष का नियम बता रहे हैं, मध्यम पुरुष जब बताएंगे यहाँ मध्यम पुरुष में तब उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ते करता है सतलते, तो ते के साथ मान लीजिए कि हम पठ का प्रयोग करते हैं, तो पठंती हो जाएगा। ता का प्रयोग ये बहुवचन में हुआ है, करोती का प्रयोग करना है तो कुर्वंती हो जाएगा। भवंता आया है, तो भवंता के साथ संति हो जाएगा। कोई भी प्रयोग सिखा रहे हैं, मीनिंग के ध्यान से भी नहीं सोचना है, दृष्टिकोण से हम केवल आपको कर्ता और क्रिया जोड़ना बता रहे हैं। रामा है, तो यहाँ पिवंती मान लीजिए कि पिव धातु का प्रयोग है, तो पिवंती हो जाएगा। और क्री धातु है तो कुर्वंती हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रथम एक कर्ता जो है अगर सिंगुलर है तो क्रिया भी हमने सब में क्रिया सिंगुलर रखा है, अगर कर्ता ड्यूअल है द्विवचन है तो सब में क्रिया जो है द्विवचन की है, सब में त त लगा हुआ है, और कर्ता अगर बहुवचन है तो सब में अंति अंति लगा हुआ है, सब में अंति होता है यहाँ लट लकार में, तो अंति हुआ। अब ध्यान देंगे त्वम मध्य सेकेंड पर्सन यानी त्वम, अंग्रेजी में इसके लिए क्या आता है यू, अंग्रेजी में इसके लिए आता है यू। तो त्वम के साथ अगर हमें प्रयोग करना हो तो त्वम के साथ क्या आया, यहां पठसी, त्वम पठसी। इसका ड्यूअल हो जाएगा युवाम, पठसी के बाद यहाँ पठता आ गया द्विवचन में, तो पठता। फिर यूयम आ जाएगा, त्वम युवाम यूयम, इसके साथ क्या हो जाएगा पठता। इसके बाद शब्द आता है नीचे उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष जिसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, अंग्रेजी में भी आप लोग फर्स्ट पर्सन में आई और वी पढ़ते हैं, तो यहाँ आई का मतलब हो गया मैं के लिए संस्कृत क्या होता है अहम, अंग्रेजी में इसको हम लोग आई कहते हैं, आई अहम हो गया, तो नीचे में सबसे उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है क्रिया पठामी, अहम पठामी। आवाम इसका द्विवचन है, आवाम पठावा। और वयम है, इसके साथ हो गया पठामा।
तो ये वाक्य में प्रयोग भी आपने देख लिया, इसका रूप भी देख लिया। अगर हमें इसी का प्रयोग, यही प्रयोग इसी तरह से अगर हमको लंग लकार में करना हो, तो यहां देखिए लट लकार की क्रिया हम मिटा देते हैं, कर्ता छोड़ देते हैं, चलिए इस बार हम ये लट लकार में ही सेव धातु का रूप लिखते हैं। सेव धातु प्रथम पुरुष में रूप हो गया, सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवद्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। तो मैंने यहां सेव धातु का रूप लट लकार में लिख दिया। अब हमें प्रयोग करना है, जरा ध्यान देंगे। ये सेवते का अगर हमें प्रयोग करना है तो ये एक वचन करता है, और एक वचन में ये सब सेवते जो है प्रथम पुरुष में, सब प्रथम पुरुष है, तो सब में सेवते का प्रयोग हम कर सकते हैं। सेवते 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 सेवते, देख रहे हैं, द्विवचन में सेवेते आया है, तो द्विवचन में सबके साथ सेवेते कर देते हैं। सेवते सेवेते पुनः सेवेते सेवेते उसी तरह से लास्ट में बहुवचन में आया है। यहां देखिए बहुवचन हमने लिखा है, तो इसके साथ क्रिया हो जाएगी सेवन्ते 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 ये सारे प्रथम पुरुष हैं, सब के सब ये प्रथम पुरुष हैं। अब मध्यम पुरुष में हम लोग आते हैं, तो मध्यम पुरुष में देखिए यहां आ गया एक वचन में सेवसे, तो त्वम सेवसे, दूसरी वचन में सेवेथे है, तो युवाम के साथ हो जाएगा सेवेथे, युयम के साथ सेवध्वे, उत्तर
उत्तम पुरुष में जब आएंगे हम लोग तो सेवे एक वचन में हम एक वचन है यहाँ पर सेवे। ये अंग्रेजी से लेना देना नहीं है, अंग्रेजी तो समझने के लिए लिख दिए हैं, ये जरूरी नहीं है लिखना, ये समझने के लिए हमने लिखा है। सेवे आवाम के साथ सेवा वहे, वयम के साथ हो जाएगा सेवा महे। तो इस तरह से आपका वाक्य होगा, इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। अब बाद में मैं पुनः पूछूंगा, थोड़ा रूप आपको और दिखा दूं। चलिए इसका हम लंग लकार में रूप लिख देते हैं। लंग लकार यानी, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, भूत का। लट लकार का मतलब हुआ वर्तमान काल, और लंग लकार का मतलब हुआ भूतकाल। उसी तरह से प्रथम पुरुष यहां भी होगा, मध्यम पुरुष होगा और उत्तम पुरुष होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसका रूप होगा असेवत, असेवेताम, असेवंत। असेवथा असेवेथाम असेवध्वम। सेवे असेवा वही असेवा मही। अब चलिए मान लीजिए हमको लंग लकार में प्रयोग करना है, तो जरा लंग लकार में भी देख लीजिए। जहां हमने ये सब लिखा है, ये लट लकार का लिखा था, देखिए मैंने देखा, आपने देखा सब कुछ कि एक ही रूप जो है सब में हो रहा है, एक ही रूप सब में हो रहा है, एक ही रूप सब में हो रहा है। तो एक रूप हम सिर्फ लिख देते हैं असेवत, असेवत, ये सब में असेवत 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 हो जाएगा। असेवेताम ये सब में होगा, और असेवंत असेवंत, ये जितना प्रथम पुरुष के अंदर आ रहा है करता है सबके साथ यही होगा। अब रहा मध्यम पुरुष,
त्वम के साथ तो मध्यम पुरुष में देखिए असेवथा असेवथा असेवेथाम असेवध्वम देख रहे असेवथा असेवेथाम असेवध्वम फिर सब से नीचे आइए असेवे असेवा वही असेवा मही तो यहां हो जाएगा असेवे असेवा वही असेवा मही ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे रूप याद हो जाएंगे। हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भेज देंगे जिस पर आप प्रयोग करेंगे और ये सारे रूप देख लीजिए धातु रूप में कौन कौन से रूप भरते हैं। जो मैं मटेरियल आपको भेजूंगा धातु रूप भरने के लिए अगर उनमें पठ कृपा और सेव के अतिरिक्त भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उन उदाहरणों को काट दीजिएगा। यदि आपको लगेगा कि हम किताब से खोज करके उसको भर सकते हैं तो भर दीजिएगा, अन्यथा आपको इतना ही पढ़ना है। अब सेव है तो सेव की तरह लब आ सकता है, लबते लबेते लबनते, पट है तो गम हो सकता है, इसकी जगह लिख हो सकता है, खेल हो सकता है, पढ़ती पढ़ता पठंती तो गचती गचता गचंती, लिखती लिखता लिखंती, इस तरह से इस तरह का रूप हो सकता है। लेकिन कुछ बहुत ऐसा परिवर्तन करके नहीं रहेगा, जैसा जिसका रूप चलता है वैसा ही इसके बदले में भी अगर दे तो ऐसा ही दे सकता है जिसका रूप उसी की तरह चलता हो। तो आपने इसको ध्यान से देखा, इसके अतिरिक्त आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे 12 महीने के अंदर आपको अतिरिक्त नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है वो हमने समझा दिया बता दिया। इसके लिए आपको होमवर्क भी दे देंगे जिसको आप बना करके देखेंगे, जहां प्रॉब्लम आएगा उसको डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा। जितने बच्चों को प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेंगे, जहां भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेंगे, क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन दिखा करके हम या बोल करके हमसे पूछ लेंगे। तो ठीक है, हम लोग यहीं पर इस धातु रूप का समापन करते हैं और हम लोगों का व्याकरण पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किताब जो है सेमसी जो किताब है उसके चैप्टर की ओर जाएंगे और आप हमें अटेंडेंस जब भेजिएगा कल तो आप ये हमको जरूर सूचित कीजिए कि हमने किताब खरीद लिया है। उस अटेंडेंस में एक लाइन नीचे लिख दीजिए कि आई हैव बॉट बुक एनसीईआरटी बुक। थैंक यू, धन्यवाद।